सलाम लाहौर शहर की सबातों के साथ मैं हूँ रिदा जफर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। महंगाई जोरों पर, नान और रोटी की कीमतों में इजाफा। रोटी की कीमत 10 से बढ़कर 12 रुपए हो गई। नान 15 की बजाय 18 का हो गया। तेल वाला कुलचा 20 रुपए का मिलेगा। मुतहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। इतलाक इतवार से होगा। चक्की का आटा भी 3 रुपए किलो महंगा हो गया। प्रति किलो कीमत 85 रुपए से बढ़कर 88 रुपए तक जा पहुंची। गंदम के रेट 2500 रुपए मन पर पहुंच गए। मुर्गी की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए इजाफे से 265 रुपए प्रति किलो हो गया। डॉलर की परवाज ना थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर 64 पैसे मजीद महंगा। डॉलर की कीमत 176.79 से बढ़कर 177.43 रुपए तक जा पहुंची। सोने की कीमत भी आसमान पर। फी तोला कीमत में 200 रुपए इजाफा। 24 के रात सोने की कीमत फी तोला 1,13,942 रुपए हो गई। 21 के रात सोने की कीमत 1,08,763 रुपए फी तोला हो गई। बागों के शहर की फजा आज भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 254% रिकॉर्ड। टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172, नेशनल हॉकी स्टेडियम में 324, टाउन हॉल के इलाके में 177 रिकॉर्ड किया गया। लेक सिटी में 308 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। आलूगी का बाइस बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। 4,87,00,000 रुपए जुर्माने। डेंगू के मोहलिक वार, एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान 27 नए मरीज रिपोर्ट। गैर मुसद्दिका सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 188 लार्वा बरामद होने पर तर्क कर दिया गया। कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। 27 नए केसेस सामने आए। उधर जिले इंतजामिया ने वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिर बिठाने पर 9 गाड़ियां बंद कर दी। 70,000 जुर्माने कर दिए। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार तरक्याती बजट में सबसे आगे निकल गए। हुकूमती मंसूबों के लिए तरक्याती बजट में 80 अरब रुपए का इजाफा। पंजाब में तरक्याती बजट का कुल हजम 640 अरब तक जा पहुंचा। इजाफी बजट से 800 से ज्यादा स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी इलाज गाह बेयारो मददगार। न्यू अस्पताल संगीन इंतजामी बहरान से दोचार। अस्पताल को MTI एक्ट के तहत 9 माह कबल खुद मुख्तारी दी गई। निजकारी के बाद न्यू अस्पताल मुस्तकिल डीन से महरूम। मेडिकल डायरेक्टर हॉस्पिटल डायरेक्टर भी तहाल तायुनात नहीं हो सका। शेरावाला गेट फ्लाईओवर की तामीर। मलिका इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। सुई नदरन गैस कंपनी के 2 सप्लाई लाइन्स को मुअत्तल किया जाएगा, जिसके बाद रात 10 बजे तक गैस बहाल हो सकेगी। विक्टोरिया रोड, रेलवे पावर हाउस, रेलवे हेडक्वार्टर्स, इस्लाम नगर, GT रोड, स्वामीनगर, तेजाब अहाते के इलाके मुतासर। बेरोजगार और नौकरी के मतलाशी पढ़े लिखों की सुनी गई। वजीर आला ने 16,000 स्कूल टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी। महकमा स्कूल एजुकेशन जल्द भर्तियां शुरू करेगा। उधर महकमा ज़राअत में 3,000 भर्तियां करने की तैयारियां। महकमा ज़राअत ने भर्ती पर पाबंदी उठाने की समरी इरसाल कर दी। 1,145 टेक्निकल मुलाजमीन भर्ती होंगे। ग्रेड 1 से 4 तक मुख्तलिफ सीटों पर भर्तियां होंगी। शाहदरा के मकीनों के लिए बड़ी खबर। LDA ने शाहदरा चौक की रीमॉडलिंग का डिजाइन फाइनल कर दिया। शाहदरा मोड पर फ्लाईओवर, न्याजी चौक की बहाली, कोट अब्दुल मालिक चौक पर फ्लाईओवर तजवीज। हुकूमत को 6,39,88,00,000 का PC1 मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया। छठी, सातवीं और आठवीं जमात के लिए नए निसाब का मुसविदा जारी। यकसा निसाब आइंदा बरस से तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा। माहरीन तालीम, वालिदैन और तुलबा को 20 दिसंबर तक अपनी आरा काउंसिल जमा कराने की डेडलाइन। सरकारी कॉलेजेस के 190 लेक्चरर्स 8 बरस से ड्यूटियों से गैर हाजिर। 2013 से गैर हाजिर लेक्चरर्स की तनख्वाहें बंद कर दी गईं। गैर हाजिर 190 लेक्चरर्स के खिलाफ PDA के तहत कार्रवाई का फैसला। लेक्चरर्स को नौकरियों से निकाला जा सकता है। सिविल सेक्रेटेरिएट और CM सेक्रेटेरिएट में इख्तलाफात पैदा हो गए। CM सेक्रेटेरिएट ने महकमा सर्विसेज के बगैर मुतद्दद अफसरान को डिप्टी सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया। महकमा सर्विसेज ने फैसले पर एतराज लगा दिया। पंजाब हुकूमत का वुजरा के कलमदान फिर से तब्दील करने पर गौर। इतिहादी जमात के वजीर का कलमदान भी तब्दील होगा। मुस्लिम लीग काफ के MPA की वजारत तब्दील होने का इम्कान।
बाउ रिजवान की वजारत में तब्दीली के लिए काफ लीग को एतमाद में लिया जाएगा। महकमा बल्दियात में बड़े पैमाने पर तबादले मुतवक्के। नया चीफ कॉरपोरेशन अफसर बल्दिया लाहौर तायुनात करने के लिए नए नाम फाइनल। सरदार नसीर अली बुखारी और फरमाइश अली के नाम जेरे गौर। महकमा बल्दियात ने बल्दिया लाहौर और सूबे भर में तबादलों का होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पंजाब पुलिस में 12 अफसरान के तबादलों के बावजूद अहम सीटें खाली। एडिशनल आईजी 5, डीआईजी की 4 सीटें तहाल अफसरान की मुंतजर। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के लिए सिलेक्शन नहीं हो सकी। एडिशनल आईजी जुल्फिकार हमीद ने पंजाब में ज्वाइनिंग दे दी। गैर कानूनी स्कीमों को रेगुलराइज करने के लिए हाई पावर कमीशन ठंडा पड़ गया। 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद एलडीए ने मुकम्मल डेटा फराहम नहीं किया। किसी भी गैर कानूनी स्कीम को रेगुलर करने का रेफरेंस नहीं भिजवाया जा सका। लाहौर में इस वक्त 250 के करीब गैर कानूनी स्कीमें मौजूद। स्कीमों के केसेस न भिजवाने से ग्रीन एरिया पर मजीद गैर कानूनी स्कीमों का फैलाव होने लगा। इशरा के इलाके रेड़िया वाला चौक, अयूब मार्केट और सुल्तान अहमद रोड में सीवरेज मसाइल दर्जे सर भर गए। उबलते गटर और सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा रहना मामूल बन गया। रिहायशी सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद बासा हुकाम टस से मस नहीं हुए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट दिशा नसूला की मोसा झल्ला किला में बड़ी कार्यवाही। 1 अरब की 453 किनाल जरई जमीन बागुजार करा ली। जरई जमीन को असल मालिक के हवाले कर दिया गया। शाहजरा के इलाके में स्क्रैप के गोदाम में धमाका, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और मौका से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इंसाफ की फराहमी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो कुछ सिखाया गया उस पर अमल करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अमीर भट्टी का तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस के एजाज में अलविदाई तकरीर से खिताब। कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस ने असनाद तकसीम की। लॉर्ड मेयर लाहौर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर 4 सफात का अबूरी हुक्म जारी। बल्दियाती नुमाइंदगान को 5 साल मुदत पूरी करने की इजाजत देने की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब मुआवनत के लिए तलब। अदालत का लॉ ऑफिसर को दरख्वास्त पर जवाब भी जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों के मुतालिक समाअत। अदालत ने रूडा के जवाबात पर अदम इत्मीनान। पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। आईजी पंजाब को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज। ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर की आईजी पुलिस के ओहदे पर तायुनाती का इकदाम दुरुस्त करार। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। थिएटर में स्टेज अदाकाराओं की नाजेबा वीडियो के स्कैंडल पर समाअत। अदाकारा खुशबू की अबूरी जमानत 21 दिसंबर तक मंजूर। अदाकारा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी दरख्वास्त जमानत के लिए दायर की थी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर कानून की मुलाकात। पंजाब की मजमू सूरत हाल। पंजाब असम्बली में मजीद नई कानून साजी के सिलसिले में मुशावरत। परवेज इलाही की अवामी मुफाद में बनाए जाने वाले कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान गुलजार का वजीर आला ऑफिस में सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डेप्टी सेक्रेटरीज और दीगर स्टाफ के दफातर का दौरा। अफसरान और स्टाफ की हाजिरी चेक की। उस्मान गुलजार की समरीज जल्द निपटाने की हिदायत। उस्मान गुलजार स्टाफ मीटिंग के दौरान कॉन्फ्रेंस रूम भी पहुँच गए। शुरका से एजेंडे पर बातचीत की। उधर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की सरबराही में वफ की वजीर आला से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग और ग्राउंड की तादाद बढ़ाने के लिए इकदाम पर तबादला अख्तियार किया। NA-133 जिमनी इलेक्शन सरकारी नतायज आ गए। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक को 46,811 वोट मिले। पीपीपी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल ने 32,313 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार हबीबुल्लाह 650। फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार सैयदा गुलाम फातिमा गिलानी 377। आजाद उम्मीदवार वाकिफ कियानी 300 वोट ले सके।
तहरीक जवानान पाकिस्तान के उम्मीदवार अब्दुल अजीज को 144 वोट, आजाद उम्मीदवार मोहम्मद नवाज को 115 और सुहेल शहजाद को 97 वोट मिले। NA-133 मुस्लिम लीग नून मरकजी ऑफिस टाउनशिप में इजलास। MNA अली परवेज मलिक ने ज़मीनी इंतखाबात में कोऑर्डिनेटर की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर नून लीग की कामयाबी पर मिठाई तकसीम की गई। साबिक सीनियर वजीर और सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान के इस्तीफे का नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल अलीम खान ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को एतबाद में लेते हुए ओहदे से इस्तीफा दिया था। पाक बहरिया के जेरे इंतजाम चौथी मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप रियर एडमिरल शफात अली खान ने शुरका का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के कमांडर ने बहरी शोबे में अहमियत पर रोशनी डाली। वर्कशॉप 8 से 16 दिसंबर तक जारी रहेगी। DPS मॉडल टाउन में टेनिस पैशन एकेडमी और स्पोर्ट्स एरिना का इफ्तिताह। कमिश्नर लाहौर और टेनिस स्टार असामुल हक की शिरकत। एकेडमी में तालिब इल्मों के अलावा जूनियर खिलाड़ी भी तरबियत हासिल कर सकेंगे। पंजाब कॉलेज बैरिया टाउन कैंपस में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। तुलबा के माबैन मुकाबले हुस्ने किरात और हुस्ने नात और तकरीरी मुकाबले। अजीज अदनान ने किरात, हाफिज इब्तिसाम ने मुकाबले हुस्ने नात में अव्वल पोजीशन हासिल की। अंग्रेजी तकरीरी मुकाबले में अहमद शफीक ने पहली पोजीशन हासिल की। जिलानी पार्क में गुलदाउदी की तमाम तैयारियां मुकम्मल। नुमाइश में 130 से ज्यादा गुलदाउदी के फूलों की अकसाम रखी गई हैं। पंजाब और जनूबी पंजाब की सकाफत उजागर करने के लिए ऊंट, बग्घी, विंटेज गाड़ियां और चाटी की लस्सी के नमूने पेश किए गए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का लॉरेंस रोड, मेसन रोड और गिर्दो नवाह का दौरा। इंसदादे डेंगी और सफाई सरगर्मियों का जायजा। सर्विलेंस टीमों को शहरियों की शिकायत का तरजीही बुनियादों पर अजाला करने की हिदायत। उधर DC उमर शेर चट्ठा की जेर सदारत शहर में तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। NA-126, NA-130, NA-135 समेत दीगर इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। और DPS मॉडल टाउन में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के हवाले से तकरीर। CTO मुंतजर मेहदी की खुसूसी शिरकत। बच्चों ने ट्रैफिक कवानीन बारे ड्रामा पेश किया।